स्टार्टिंग में तो व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन तो सुमित सर की एडिटोरियल वीडियो से ही स्टार्ट किया था. अभी तक भी समझ नहीं आता, तो आई शिफ्ट बैक टू सर वीडियो. तो एडिटोरियल तो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है ये सर. एंड पीएसएआर तो सर इट्स वेरी वेरी मच, आई मीन द इनफैक्ट आई रिमेम्बर. Hello everyone, welcome to Only IAS. Today we have with us Anuradha, who have secured all India rank 266 in UPSC Civil Service Examination 2021. Anuradha, many many congratulations from the entire Only IAS team. Thank you sir. Anuradha, आज के इस सेशन में मैं आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है जो Only IAS कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उन्हें पॉलिटिकल साइंस के बारे में सही स्ट्रेटेजी मिले, क्योंकि मतलब काफी लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में. तो मैं आपसे आज क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं जानना चाहूंगा. इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल टू द व्यूअर्स दैट अनुराधा हैव सब्सक्राइब टू Only IAS टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर. जो डेली आंसर राइटिंग का कोर्स था वो अनुराधा ने सब्सक्राइब किया था, और उन्होंने काफी प्रैक्टिस भी की थी डेली आंसर राइटिंग की. एंड वाइल कन्वर्सेशन शी टोल्ड मी दैट कि काफी उन्हें हेल्पफुल हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस कि अनुराधा, आपने जो Only IAS का जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था डेली आंसर राइटिंग का, उससे आपकी कंटेंट बिल्डिंग और डिसिप्लिन और टारगेट कंप्लीशन में और ओवरऑल सिलेबस कंप्लीशन में कैसे हेल्प हुआ? सर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीएसआईआर डेली राइटिंग कोर्स, सर डेली हम लोग को 5 क्वेश्चंस मिलते थे. एंड उसमें सब्जेक्ट वाइज तो फर्स्ट थिंग वाज कि डेली टारगेट होता था कि ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करने से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है. आंसर नहीं पढ़ती थी, फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म इन माय आंसर कि अगर ये मेरे पास होगा तो मैं क्या क्या लिखूंगी, कि मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं. इंट्रो में ये होगा, बॉडी में होगा, कंक्लूजन में होगा. फिर आंसर्स में से ही देन आई वुड रीड दोज आंसर्स. उस आंसर्स में से अगर मुझे कुछ भी एडिशन मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलर, विद रिस्पेक्ट टू दोज बुक्स, या फिर हम इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन में हम रीसेंट या फिर इंडिया को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं, आई वुड ऐड इन माय नोट्स. मैंने हर पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के जो 4 पार्ट्स है, तो सबके लिए आई हैड मेड नोट्स फ्रॉम स्पेसिफिकली दोज डेली जो आप क्वेश्चंस देते थे. एंड सेकेंड हेल्प वॉज जो आप लोग ने टॉपिक्स की कॉपीज शेयर कर रखी थी, तो उससे भी बहुत फायदा हुआ था. आई मेड श्योर कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं कैसे कॉन्क्लूड कर रही हूँ, वो कैसे कर रहे हैं. एंड जो स्ट्रक्चर था आंसर्स का, दैट वॉज रियली वेरी गुड सर. जो आप लोग ने डेली राइटिंग में दिया था, वी गॉट दैट. हाँ, इंट्रो को इतने में ही कॉन्क्लूड करना है, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रही हूँ तो उसको कट करके आई मेक इट मोर रेलिवेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो मतलब उसको स्ट्रक्चरिंग करने में भी हेल्प हुआ, एंड सर कंटेंट में तो हेल्प हुआ ही था. स्कॉलर्स के नाम हो गए, इसको जैसे आईआर में आई हैड गुड स्कोर. तो आईआर में आई गॉट टू नो कि इसको किस थ्योरी से लिंक करूंगी. रादर देन फोकसिंग ऑन मोर स्कॉलर्स, आई मेड श्योर कि मैं रीसेंट ऐड करूँ. जैसे अफगानिस्तान का जब इशू चल रहा था, तो आप लोग ने नोट्स में दिल्ली डायलॉग को ऐड किया था. तो आई मेड श्योर कि मुझे कंक्लूजन में इसको तो डालना ही है. और अगर इसराइल का इशू है, वेस्ट एशिया का इशू है, तो न्यू कोड को डालना ही है. तो आई हैड इन माई माइंड कि ये क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो ऐसे करना है. कंक्लूजन इट वॉज वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन माई नोट्स कि मुझे ऐसे ही शुरू करना है, ऐसे ही कंक्लूड करना है. तो इट रियली हेल्प. और सेकेंड सर आई वुड ऑल्सो से कि इन माई एथिक्स पेपर GS4 आई मिस्ड 2 केस स्टडीज, मेरी ब्लैंक छूट गई थी. सो PSIR में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही था, क्योंकि आई हैड टू मेक श्योर कि मेरा वो वाला मार्क्स ऑलरेडी छूट चुका है. तो बोथ द थिंग्स हेल्प. ग्रेट ग्रेट अनुराधा. उसके अलावा आपने PSIR की प्रिपरेशन जो है वो आपने कैसी की? आपने किस तरह से नोट्स बनाए खुद के, किस तरह से आपने रिवाइज किया, कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम ऑप्शनल को देना चाहिए और उसके साथ साथ रिवाइज हमें कितने टाइम्स करना चाहिए. वैसे हम तो एज अ मेंटोर स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि आप जितना पॉसिबल हो लास्ट मोमेंट तक आप रिवाइज करिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप मतलब रिकॉल कर पाएंगे और उतना ही फिर आप आंसर्स में लिख पाएंगे. तो व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ द PSIR? आई वुड से कि शॉर्ट नोट बहुत हैंडी रहता है. मैंने शॉर्ट नोट्स 2000 जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 20 वाला, उसी में प्रिपेयर कर रखे थे. पेपर 1 के लिए पेपर 1 पार्ट ए तो पूरा थ्योरेटिकल है, तो उसके लिए तो वी कैन हैव दैट नोट्स कि हमें पता होना चाहिए कि स्कॉलर ये लिखना है, थ्योरीज ऑफ स्टेट आएगा तो ये लिखना है, लास्टी का मेंशन होना चाहिए, उसकी जो भी लाइन्स है वो बहुत हैंडी होना चाहिए. रादर देन फोकसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स,
वी कैन फोकस कि हाँ ये स्कॉलर है, ये स्टेटमेंट है, तो वो बहुत हैंडी हो जाते, तो फिर पेपर में रिकॉल करने में इशू नहीं आता. यू हैड इन माई माइंड कि ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ये लिखना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि दो चीजें होती है सर, या तो आप सोच लो या फिर आप लिख लो. अगर आप पेपर से पहले सोच के जाते हो प्रिपरेशन में, तो आप वहां पे आपके हाथ चलते हैं, वो पेपर कंप्लीट भी हो जाता है. तो रिवीजन, और वो तभी होगा व्हेन यू रिवाइज प्रॉपरली. रिवाइज के लिए शॉर्ट नोट्स आर वेरी हैंडी. तो मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और पेपर टू को मैंने काफी अपडेट किया है सर. डेली से जो भी न्यूज मिलती है उसको कीप ऑन अपडेटिंग. पेपर टू इज वेरी डायनामिक एंड इट्स वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. तो लास्ट ईयर जैसे हमने पीएसआर का जो आईआर सेक्शन है उसके लिए भी हमने एक अपडेटेड वर्जन लाया था. yes, तो जैसे कि आईआर है डायनामिक सब्जेक्ट है, टाइम टू टाइम हमें उसमें अपडेशन करने पड़ते हैं. तो आपकी आईआर की क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने नोट्स में से कितना अपडेशन लिया, और उसके अलावा आपने कितने आर्टिकल्स आपको पढ़ने की जरूरत पड़ी? ड्यू टू द टाइम क्रंच, लाइक मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू 21st ऑफ सितंबर को ही था, मेरे पास पीएसआईआर के लिए वो जो बेसिक वाली बुक्स थी वो मैं नहीं पढ़ पाई थी फ्रांकली स्पीकिंग. तो जो बेसिक जो मुझे पता था कि हाँ हिस्ट्री क्या है इसकी, किस जैसे अफगानिस्तान है तो रॉबर्ट डी कापलान ने कुछ बोला है, वर्ल्ड ऑर्डर क्वेश्चन आएगा तो हेनरी किसिंजर ने कुछ बोला है, तो आई हैड द बेसिक. इंडिया चाइना क्वेश्चन आएगा तो आई यूज दैट श्याम करण कि उसने इस बुक में ये लिखा है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड सुसाइडर्स ट्रैप के बारे में. तो बेसिक तो सर थ्योरी से लिंक करना ही था. उसके बाद कीप ऑन अपडेटिंग फ्रॉम द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स सर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़े जा सकते हैं, सी राजा मोहन के और हिंदू के. बट जैसे सब लोग बोलते हैं ORF पढ़ो या बहुत सारा कुछ पढ़ो, आई हैव नॉट रेड सर. मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि ऑप्शन में आई गॉट 270 लास्ट ईयर. तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल थी कि मुझे इसमें इतना नहीं देना है, तो बेसिक ही किया था. बाकी ओनली IAS का मटेरियल से मैंने काफी अपडेट किया डायनामिक. तो और जो डेली आता जा रहा है, थिंक अबाउट इट कि इस वाले टॉपिक को मैं किस टॉपिक से किस पेपर में इंटरप्रेट करूंगी. थिंक बिफोर हैंड, थिंकिंग पार्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल. अगर आप सोच लोगे ना तो वहां पे दिमाग में आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे इसमें आर्टिकुलेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं, काफी सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, खास करके आईआर में. आईआर इतना डायनामिक है, और जैसे इंडिया रशिया है या इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, तो इसपे कंटिन्यूअसली आर्टिकल्स आते रहते हैं. ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिनपे कंटिन्यूअसली न्यूज पेपर में आता रहता है. तो ऐसे सिचुएशन में इतना सारा कंटेंट में सिलेक्टिवली आर्टिकुलेट करना, ये स्किल कैसे, अगर कोई नया एस्पिरेंट है वो स्टार्ट कर रहा है तो दे फेड अप रीडिंग न्यूज पेपर एंड दे एंड अप लाइक कि हम कितना न्यूज पेपर पढ़े, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता. तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिलेबस इज द की सर. हम लोग को सारे आर्टिकल्स तो पढ़ने नहीं होते, वी नो कि इंडिया चाइना आ रहा है. अगर सी राजा मोहन लिख रहा है पूरे आर्टिकल में, क्रक्स तो सर सब दो लाइन्स का ही होगा ना. जैसे अगर कुछ भी इशू है इंडिया चाइना का, तो यही होगा कि या तो आप बैलेंस ऑफ पावर के लिए या तो आप इंटरनल बैलेंसिंग करोगे या एक्सटर्नल बैलेंसिंग करोगे. एक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है सबका. तो वी कैन हैव इट कि हाँ ये दो लाइन्स है, इसको मैंने यहाँ ऐड करना है, ऐड दोस टू लाइन्स ओनली. तो इतना कंटेंट तो बढ़ेगा ही नहीं ना. अगर हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं, वी डोंट नो कि हमें इसे यूज कहाँ करना है. इंडिया चाइना में इंटरनल बैलेंसिंग में लिखेंगे, एक्सटर्नल बैलेंसिंग में लिखेंगे, या फिर इंडिया रशिया के साथ S-400 डील है, इसको हम कहाँ यूज करना है. तो एक क्रक्स जो होगा इतने सारे आर्टिकल्स में भी, आई फील कि पॉइंट जो होता है ना वो एक या दो लाइन्स ही होती है. वी नीड टू फाइंड दोस, यूज करना है अपने माइंड को कि इसका क्रक्स कहाँ है, इज इट हेल्पफुल फॉर मी. हर चीज तो यूज नहीं कर सकते आप. वी शुड यूज इट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड थिंक कि इज इट हेल्पफुल फॉर मी. इट विल टेक इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, बट देन यू लर्न इट कि हाँ इज इट हेल्पफुल फॉर मी और नॉट. तो यू नो कि सिलेक्टिवली कैसे पढ़ना है. तो सिलेबस इज द की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है. ओके जैसे कि आपने कहा कि सिलेबस इज द की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके हम काफी हद तक चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे प्रिपरेशन में कितने हेल्पफुल है, खास करके पीएसआर के? क्योंकि एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ कोर थीम्स है क्वेश्चंस उन्हीं पे आते हैं. मतलब एवरी सेकंड ईयर देयर विल बी क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी काउंसिल, एवरी सेकंड ईयर देयर विल बी क्वेश्चन ऑन सम पर्टिकुलर इशू. तो इश्यूज फिक्स है, और एट लार्ज एक्सटेंट उनके ऊपर का जो कंटेंट भी है कहीं ना कहीं, मतलब जो क्रक्स वाला कंटेंट है वो तो फिक्स है. बस कुछ पेरिफेरियल चीजें, कुछ एक्स्ट्रा जो एड ऑन होता है वही उतना एडिशन होता है.
तो ये समझना मतलब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि करंट अफेयर मतलब ऑल टुगेदर इज द न्यू थिंग, मतलब इंडिया रशिया का अभी करंट में आ रहा है, तो इंडिया रशिया में अभी सब कुछ ही पूरा जीरो से लेके बदल जाएगा, लेकिन बेसिकली बदलता कुछ 10% 20% है, बट अदरवाइज 80-90% जो कोर होता है वो तो सेम होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताइए कि पीवाईक्यू से हम ये कैसे समझ लें, और सिलेबस को पकड़ के अगर हम रहे तो हमें कितना हेल्पफुल हो सकता है, और कैसे हम सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सके। यस सर, जैसे अभी आपने बोला है कि पूरा तो सब कुछ चेंज होता नहीं है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखें तो थीम्स है सर, इंडिया चाइना हर साल ही आता है, आप हमें पता है इंडिया चाइना इंडिया यूएस ये सब आएगा ही, और अभी जैसे यूक्रेन रशिया चलता है, इट हैज टू कम, सो वी कैन हैव। अब ये वाला आइडिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगेगा ना, कि पहले ये वाला क्वेश्चन था अफगानिस्तान आना ही था, तो आई हैड प्रिपेयर्ड इन माय हैंड यूएन रिलेटेड इज इट रेलेवेंट, क्योंकि अफगानिस्तान में इट हैड ऑलरेडी फेल्ड, यूक्रेन रशिया में इट हैज फेल्ड, सो वी कैन हैव स्पेसिफिक एग्जांपल्स, एग्जांपल्स विल मेक आवर आंसर्स मोर डायनामिक एज वेल एज मोर डिफरेंट। तो इन दैट केस इफ वी कैन सी कि हाँ ये ट्रेंड है, कि बिफोर हैंड आप प्रिपेयर कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड देखकर कि रशिया से रिलेटेड आएगा, तो और स्पेसिफिकली इंट्रो एंड कंक्लूजन आप प्रिपेयर कर लो तो बेस्ट है, विद रिस्पेक्ट टू कि इस स्कॉलर ने ये बोला है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, तो जैसे इंडो पैसिफिक में टिल्ट आ रहा है, तो मतलब ट्रेंड तो वहीं से पता लगेगा ना, अदरवाइज यू विल कीप ऑन रीडिंग एवरीथिंग। अगर हमें सिलेक्टिवली पढ़ना है सर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस मतलब इट्स द की, इन्वेस्ट योर टाइम, अगर आपको जितना भी टाइम लग रहा है, 1 month लग रहा है, 2 month लग रहा है, बट एक बार इसका होल्ड हो गया ना तो टाइम भी बचता है सर, हमको सिलेक्टिवली पढ़ना भी आ जाता है और मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। लास्ट ईयर आई हैड 137 इन पेपर 2 एंड इस साल 153 है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, सिर्फ अपडेट किया है इंट्रो को, कंक्लूजन को और एड ऑन एग्जांपल्स को ऐड किया है कि इज इट रेलेवेंट, इज इट स्टिकिंग टू द डिमांड, और ये मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगा है दैट ट्रेंड। पीएसआईआर में अच्छा स्कोर करने के लिए खास करके एक चीज जो मुझे काफी टॉपर्स के साथ बात करने के बाद रियलाइज हुई, वो ये कि काफी जो एस्पायरेंट्स है जो मेंस लिखते हैं और उन्हें अच्छा स्कोर नहीं आता, उसका रीजन वन ऑफ द रीजन ये भी होता है काफी बार कि वो चीजों को आइसोलेशन में पढ़ते हैं, जैसे अगर पेपर टू का सेक्शन बी है तो दे कंप्लीटली डिसोसिएट पेपर टू का सेक्शन बी फ्रॉम द पेपर टू का सेक्शन ए, विच इज आई थिंक मेनी टॉपर्स हु आर सेइंग कि भाई दिस शुड नॉट बी यू नो स्टडीड इन आइसोलेशन, रैदर दे शुड बी इंटरमिक्स्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग आंसर इवन व्हाइल स्टडीइंग, सो हाउ दिस इज यूजफुल इन पेपर वन पेपर टू, जैसे पेपर वन के कुछ थेरी डेमोक्रेसी की या इक्वालिटी की या जस्टिस की थेरी कहीं ना कहीं हम आईजीपी के कुछ चीजों में एड ऑन कर सकते हैं या इंटरलिंक करके लिख सकते हैं, और जैसे कि कंपैरेटिव की थेरीज हम आईआर के कुछ चीजों में और आईआर के कुछ एग्जांपल्स कंपैरेटिव की थेरीज को सब्सटेंशिएट करते वक्त लिख सकते हैं। yes, तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं मार्क्स बूस्ट करने में टॉपर्स के हेल्प करिए, हाउ मच यू थिंक दिस हैज अ सब्सटेंस इन दिस थिंग? सर वेरी मच ट्रू सर, इससे ही पता लगेगा दैट वी हैव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, एंड अगर आप ये भी देखो तो वी हैव एग्जांपल्स और इससे ना रेलेवेंस भी आता है, जैसे अब ग्रांति ने बोला था कि वी नीड टू फाइट एट टू लेवल्स, और हमने बताया कि गांधी जी ने भी उसी को यूज किया था कि पहले वॉरेट मैन्यूवर एंड फिर डायरेक्ट एक्शन वाला, सो और उसके बाद जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वाला इशू है, ये आईजीपी में भी आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आता है, सोशल मूवमेंट वाले पार्ट्स है, तो उससे ना थोड़ा आंसर लगता है कि इट्स लिविंग, इट्स डायनामिक, इट्स नॉट बुकिश, यू हैव यूज योर ब्रेन कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, और ये सब तो सर काफी सारा जो कंटेंट है ये वाला, ये तो डेली राइटिंग में बहुत ज्यादा आपने यूज किया हुआ है, इवन आई रिमेम्बर सोशल मूवमेंट्स रिलेटेड, न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड में कैसे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में कैसे हैं, ये कंपैरेटिव में भी था एंड इट वाज एग्जांपल्स हमने आईजीपी से ही लिए थे। करेक्ट, सो इट्स वेरी मच रेलेवेंट, जितना ज्यादा लिंक करेंगे ना सर आंसर अपना हमारा डिफरेंशिएट होगा बाकी से आंसर से, एंड एग्जामिनर विल लाइक इट कि हाँ कि कुछ अच्छा लिखा है, यू विल रियली एंजॉय रीडिंग इट, otherwise it will remain same कि भाई bookish है सब कुछ, अपना mind कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि जैसे पीएसआर का हम आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे आपने भी आंसर राइटिंग किया और इनफैक्ट जब आपने आंसर्स लिखे तो आपने कंपेयर भी किए होंगे कि सैंपल आंसर्स में क्या कंटेंट लिखा हुआ है और हमारे आंसर्स में क्या है, इससे आपने कुछ एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा और आपने आंसर से इंप्रूवमेंट की होगी, तो आंसर्स में इंप्रूवमेंट हम कैसे करें, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक पीएसआर में अच्छा आंसर
कि क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब अच्छा आंसर जैसे हम जीएस में लिखते हैं तो हमें आर्टिकल्स लिखने होते हैं या फिर कुछ डाटा फैक्ट लिखना होता है, और इसी तरह से पीएसआर में स्कॉलर्स लिखने होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज अ गुड आंसर जिससे हम ज्यादा और अच्छे मतलब स्कोर कर सके पीएसआर में, तो इसके लिए क्या कंपोनेंट होने चाहिए अपने आंसर्स में? ऑप्शनल में ना ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, कि आपके आंसर्स में सब्सटेंस होना चाहिए, यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश। जीएस में कभी कभी हम लोग को पॉइंट्स तो लिखते हैं, तो एक दो पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिख दिए, थर्ड में सेम वही इश्यूज लिख देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, इन्वेस्टमेंट इशू है, स्किल्स नहीं है, वो सब लिखने के लिए, पेज भरने के लिए। बट ऑप्शनल में ऐसा नहीं चलता, वी हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेड। एक तो सर पेपर कंप्लीट करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज, तो यू हैव टू वेरी स्टिक टू द डिमांड। ऊपर से पैराग्राफ है, यू डोंट हैव, मैंने कभी पॉइंट्स में नहीं लिखा है, तो आप पॉइंट्स में तो लिख नहीं रहे हो, पैराग्राफ में आप लिखोगे स्टिक टू द डिमांड, यानी फ्लो बनाना चाहिए। दैट इज इशू की एग्जामिनर शुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग। या इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में एक लाइन है जिससे आपका बॉडी लिंक हो रहा है, कंक्लूजन में यू हैव रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट टर्म, यहाँ इसका इफेक्ट कहाँ है प्रेजेंट में, लाइक बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ जो न्यूक्लियर बैलेंस था, इज इट रेलिवेंट, क्योंकि चाइना वॉर तो अभी भी हो रहा है, बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसको हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट से लिंक करें, सो दैट मेक्स आंसर्स वेरी इंटरेस्टिंग और ऑल्सो वेरी गुड। एंड जीएस से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जीएस में आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप डेटा के डाल दो, आप कभी कभी तो सर जब डेटा डाल देते हैं हम, IMF का वर्ल्ड बैंक से सब चेंजेट कर देते हैं, और उसी में आई फील की PSIR में डेटा अच्छा होता है अगर आपके पास हो, बट अगर वो नहीं है तो substantiate with the help of scholars, with the help of books, so it makes answer interesting. And yes, flow is also important. Correct. Yes, political science में तो answers में flow काफी important होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे एक टाइम था जब पॉलिटिकल साइंस में काफी अच्छा स्कोर मतलब कर सकते थे विथ, मतलब एक जो रट्टा होता है कि हमने कुछ थेरीज पढ़ ली, मतलब पीएसआर के पेपर वन थेरोटिकल है तो हमने थेरोटिकल सारा कर लिया और हमने थेरीज रट्टा मार के हमने लिखा और हमें स्कोर आ गया। लेकिन अभी कुछ सालों से थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है, ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्वेश्चन के, और मुझे लगता है इवेल्युएशन में भी शायद चेंज आया होगा, क्योंकि मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो लोग ज्यादा, जैसे अभी क्वेश्चन का ट्रेंड भी थोड़ा सा बदल रहा है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ अभी एनालिटिकल, और उसमें भी आंसर्स में भी एनालिटिकल डेप्थ, मतलब क्वेश्चन प्राइमा फेसी लुक्स की वेरी इजी है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लिखने वाला यूज करे, और उसी के साथ साथ वो क्वेश्चन को में सिर्फ डाटा ही या स्कॉलर्स ही ना भरे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खुद का आर्टिकुलेशन स्किल भी प्रूव करे अपने वो एनालिसिस के थ्रू, और वो एनालिटिकल डेप्थ उसमें दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो जैसे कंपैरेटिव में आजकल काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आईजीपी में भी आईजीपी सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से जाता है काफी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में लिख तो लेंगे हम आंसर लेकिन हमारे आंसर्स में वो एनालिटिकल डेप्थ नहीं आती है, जबकि पॉलिटिकल थ्योरी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होने की वजह से उसमें लिखना काफी आसान होता है। बट ऐसा भी पाया गया है कि ज्यादातर लोग जो एनालिटिकल क्वेश्चंस लिखते हैं तो काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो व्हाट यू सजेस्ट अपॉन दिस? मुझे लग रहा है कि मेरा भी सर एनालिटिकल में ही स्कोर आया है, क्योंकि मेरा पीएसआर पेपर वन में एवरेज ओनली 129 ही है, तो उसको मैंने ज्यादा, उसमें पेपर वन थ्योरी पार्ट ए ही करते हैं, तो उसमें अपडेशन का इतना स्कोप नहीं होता सर, सेम ही है सब कुछ, सेम स्ट्रैटेजी के लिखना है। लेकिन पेपर टू में मुझे बहुत स्कोप मिला था, मैंने बहुत एड ऑन किया था विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, और ज्यादा स्कॉलर्स भी नहीं यूज किए थे, बट यस आई थ्योरीज यूज करी थी कि इसको किसिंजर ने कुछ बोला है, लिबरल अप्रोच क्या बोलती है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या बोलती है। सो यस, अगर आप एनालिटिकल में स्कोर कर सकते हो इट्स वेरी गुड, बट मतलब अगर आप आईजीपी में भी अगर मैं इसको यूज कर पाऊँ एनालिटिकल अप्रोच को, तो पेपर वन में भी स्कोर अच्छा हो ही सकता है, क्योंकि पार्ट ए में इंक्रीज करने का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, इट्स वेरी स्टैटिक, बट हाँ जो उसकी डेप्थ है तो आंसर्स की डिमांड को समझ सकते हैं, उसको और रेलिवेंट बना सकते हैं प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, और उसको दूसरे पार्ट से भी लिंक करा जा सकता है। जैसे कि काफी जगह पे होता है ना कि कुछ हमने पर्टिकुलर मतलब पढ़ा है और पॉलिटिकल थ्योरी, जबकि स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट इज अ कंटेस्टेड आइडिया इन द पॉलिटिकल साइंस, फिर पावर के बारे में अगर लिख रहे हैं तो पावर इज द कंटेस्टेड आइडिया इन द पॉलिटिकल साइंस, सोवरेनिटी के बारे में वी डू द सेम, तो कहीं ना कहीं मतलब पढ़ने वाले को भी वो एक लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है, तो दैट इज द रीजन मे बी कि एनालिटिकल के तरफ थोड़ा ज्यादा मतलब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उस हिसाब से, और स्कोर भी उस हिसाब से अभी आ रहा है।
ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें ओनलीएस प्लेटफॉर्म के आप मेंबर हो, आपने ओनलीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है, तो ओनलीएस का आपको कितना हेल्प हुआ आपके प्रिपरेशन में, ओवरऑल प्लेटफॉर्म का आपको कितना हेल्प हुआ? सर वेरी मच सर, स्टार्टिंग में तो व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन तो सुमित सर की एडिटोरियल वीडियो से ही स्टार्ट किया था, अभी तक भी समझ नहीं आता तो आई शिफ्ट बैक टू सर वीडियो, तो एडिटोरियल तो कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है ये सर। उसके साथ सर समटाइम्स ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आपने जीएस की बुकलेट्स निकाली थी स्टैटिक पोर्शन के लिए, इफ आई थॉट कि मेरे पास कंटेंट का इशू है किसी में मेरे पास नहीं है, तो आई जैसे सोसाइटी की कुछ बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने काफी ओनली आईएस की बुक से किया है तो उसमें भी हेल्प हुआ। एंड पीएसएआर तो सर इट्स वेरी वेरी मच आई मीन इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि आप लोग का एक मेल से आपको सपोर्ट है कि अगर हमें कुछ इशू होता है तो वी कैन मेल यू, तो लास्ट के जो 5 days थे मिडल ऑफ द 5 days जो हमें मिलते हैं तो आई वॉज इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द टीम कि मैम मुझे टॉपर्स कॉपी भेज दो, मैम मेरा इम्प्रूव नहीं है, यहाँ पे इशू है, तो जितना भी टॉपर्स कॉपीज कुछ चेक्ड हो रखी थी तो वहां से मैम ने कैसे कैसे उसको बोला था कि इंट्रो ऐसे शुरू करनी है, कंक्लूजन ऐसे शुरू करना है, तो मैंने वहां से भी बहुत सीखा है, अपनी मिस्टेक से सीखा है एंड आई हैव लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स आल्सो, सो वेरी बिग सपोर्ट सर, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट, यूपीएससी की जो ओवरऑल जर्नी है, जैसे कि आपने पहले भी एग्जाम क्लियर किया है, लास्ट ईयर आपका रिजर्व लिस्ट में नाम आया था, इस बार आपका बहुत ही अच्छा रैंक मिला है, तो काफी लंबा जर्नी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हमें मतलब एग्जॉस्टिव हो जाता है थोड़ा सा, कभी कभी छोटे मोटे फेलियर्स को फेस करना पड़ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने खुद को मतलब हाउ यू कीप योरसेल्फ गोइंग ऑन एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड यू स्टिल यू नो मोटिवेटेड योरसेल्फ, हाउ यू मैनेज दिस? सर सबके साथ होता है ये सब, वी ऑल फेस की कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, कभी कभी लगता है लो हो जाएगा, बट फिर समहाउ आई हैड की माइंड की करना तो यही है चाहे आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, तो आई यूज्ड टू मेक टाइम टेबल्स कि हाँ आज ये करेंगे, अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं पहले सिलेबस कम्प्लीट कर लूँ, आज का टारगेट कम्प्लीट कर लूँ, फिर आई स्टिक टू नेगेटिव थॉट्स कि हाँ उसके बाद ये सब सोचूंगी, और जब तक आप टारगेट पूरा करते हो ना तो वो नेगेटिव थॉट चले जाते हैं कि हाँ इतना हो गया है कल और करेंगे, बट कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, और जब ब्रेक होने के बाद डर लगता है कि नहीं बहुत सारा काम रहता है आई अगेन बैक टू, तो कभी कभी ब्रेक ले लेने चाहिए एंड अप डाउन आते ही रहते हैं, बट अल्टीमेटली यू शुड रिमेम्बर कि व्हाई यू स्टार्टेड, डू यू रियली वॉन्टेड, अगर आपको चाहिए है ना तो सर हो जाता है, इस बार भी मतलब हो गया, I mean, हो जाएगा, अगर if you keep on continuing, if you remember why you started, you will get through that how, I mean, कभी-कभी low आएगा, कभी-कभी up भी आएगा, you have to motivate yourself only, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बोलने के लिए, you should know कि एक जैसे अभी भी सब लोग मुझे बोलते हैं कि it's done, अब हो गया इस election, तो क्यों ही दोबारा करना है, but I want it कि मुझे करना है तो करना है, correct, something internal it should be. करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, तो मोटिवेशन बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरनल होनी चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली। तो अनुराधा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल इनपुट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फ्रॉम द एंटायर ओनलीएस टीम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।